हाय हेलो बच्चों, मैं हूं हेमंत शर्मा, आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे। तो बच्चों देखेंगे, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी ट्रेड्समैन का, ठीक है, आर्मी ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो अभ्यास पेपर सेट है ये, ठीक है, ये आर्मी ट्रेड्समैन का है और आर्मी ट्रेड्समैन की भर्ती जो है आ गई है, तो आप लोगों ने फॉर्म डाला होगा, तो आप लोग तैयार करिए इसको, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये जीके जीएस की क्वेश्चन है, ठीक है। और इस पेपर में हम आपको 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं, प्रत्येक पेपर सेट में हम 35 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के कराने वाले हैं, ठीक है, कंप्लीट कराने वाले हैं। तो हम देखते हैं, आज तक हमने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, अब ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की तरफ पढ़ते हैं, ये देखेंगे प्रैक्टिस सेट जो है वो 5 है, कौन सा है, पेपर सेट 5, ठीक है। तो पेपर सेट 5 में देखेंगे ये भाग फर्स्ट सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो एक बार अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारे वाले आने वाले वीडियोस और कमांड नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। तो देखेंगे बच्चों, इसमें पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो सभी लोग बताएंगे कि आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आर्यों ने भारत के जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते थे, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, कौन सा हमारा राइट आंसर रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से बताएंगे, और एक बार वीडियो को शेयर करिए जो कि सभी बच्चों को पता चल जाए कि आर्मी ट्रेड्समैन का क्लास चल रहा है जीके जीएस का। तो देखेंगे बच्चों, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें आर्यों की, तो आर्यो जो थे, आर्य लोग जो थे वे बाहर से आए थे, ठीक है, कहां से आए थे, वे भारत में आए थे बाहर से, ठीक है, कहां से आए थे, बाहर से भारत में आए, ठीक है, बाहर से आए थे भारत में। अगर बात करें कि एक कौन सी एरिया से, यानी कि किस साइड से आए थे, तो ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, किधर से आए थे, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, लोकसभा का नेता होता है, ठीक है, तो लोकसभा का नेता होता है, कौन होता है लोकसभा का नेता, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है हमारा, राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे। तो इसमें देखेंगे बच्चों, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें लोकसभा की, अगर हम लोकसभा की बात करें, ठीक है, तो लोकसभा का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो लोकसभा का गठन कब हुआ था, 2 अप्रैल 1952 में, इसका गठन हुआ था 2 अप्रैल 1952 में, ठीक है, कब हुआ था, 2 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था। अगर हम बात करें कि इसके प्रथम धारक कौन थे, ठीक है, अगर हम इसके प्रथम धारक की बात करें तो इसके प्रथम धारक कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, प्रथम धारक कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है, कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अगर हम बात करें कि इसमें वर्तमान नेता कौन है,
ठीक है। अगर हम बात करें कि लोकसभा के इसमें वर्तमान सदन के नेता कौन है, तो कौन है सदन के नेता, अगर लोकसभा के सदन के नेता की बात करें तो कौन है श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने शपथ कब ग्रहण करी थी, 26 मई 2014 को, 26 मई 2014 को, ठीक है, 26 मई 2014 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी। और ये कौन से दल से हैं, अगर इनके दल की बात करें तो इनका दल कौन सा है, बीजेपी, कौन सा है बीजेपी, भाजपा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, तो बताएंगे सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लग गया है। क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु था, ठीक है, तो मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन सा था, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, बताएंगे सभी बच्चे, तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा हमारा प्रथम धातु होगा, ठीक है, तांबे को प्रथम धातु कहते हैं, इसमें जो है सबसे पहले अपनाया गया था प्रथम धातु, ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। अगर हम बात करें इसके आविष्कार, ठीक है, अगर इसके आविष्कार की बात करें, इसका आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार जो है वो 5000 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है, आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार जो है वो 5000 ईसा पूर्व हुआ था, 5000 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके बाद में किसका आविष्कार हुआ था, तांबे के बाद किसका हुआ था, कौन सी धातु का आविष्कार हुआ था, तो तांबे के बाद जस्ता का आविष्कार हुआ था, तांबे के बाद जस्ता धातु का आविष्कार हुआ था। अगर हम बात करें कि जस्ता धातु के बाद किसका आविष्कार हुआ था, तो जस्ता के बाद सोना का आविष्कार हुआ था, इसके बाद जो है सोना का आविष्कार हुआ था, और सोने के बाद में किसका आविष्कार हुआ था, और इसके बाद जो है लोहा का आविष्कार हुआ था, ठीक है, इसके बाद लोहा का आविष्कार हुआ था। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, तो क्या संबंधित है, कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर, कुशीनगर हमारा राइट आंसर रहेगा, क्यों रहेगा, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है, अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध जो थे वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, कौन से धर्म के संस्थापक थे, अगर बुद्ध की बात करें तो यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है, यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगर इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ, कितने 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, कहां हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक स्थान, लुम्बिनी नेपाल, ठीक है, कहां हुआ था, लुम्बिनी नेपाल। अगर हम बात करें इनके निधन की तो 483 ईस्वी पूर्व जो है इनका निधन हुआ था, कब हुआ था, निधन की बात करें इनके तो 483
83 ईस्वी पूर्व इनका निधन हुआ था और कितनी आयु में हुआ था, आयु यानी कि 80 वर्ष। जब इनका निधन हुआ था तो ये 80 वर्ष के थे, ठीक है। अगर हम बात करें इनके जीवन साथी की कि इनके जीवन साथी कौन था, इनकी पत्नी कौन थी, ठीक है, तो इनकी पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी थी राजकुमारी यशोदा, राजकुमारी। अगर इनके जीवन साथी यानी पत्नी की बात करें तो कौन थी, राजकुमारी यशोदा। यशोदा, ठीक है। अगर हम बात करें यशोधरा, ठीक है, अगर हम बात करें इनके बच्चे की, ठीक है, अगर हम इनके बच्चे की बात करें तो इनके बच्चे का क्या नाम था, राहुल। क्या नाम था, राहुल नाम था। अगर हम बात करें इनके पिता की तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था, इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन नाम था। अगर हम बात करें इनके माता की, ठीक है, अगर इनके माता की बात करें तो इनके माता का नाम था मायादेव। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था, मायादेवी नाम था। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, स्क्रीन पे आ गया है आपके सामने, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन दिया है, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ये क्वेश्चन दूसरा अगर रिपीट हुआ है, ये आपका कल भी बताया गया था, कल जो आपका क्लास चला था प्रैक्टिस सेट 4 वाले में, प्रैक्टिस सेट 4 में ये क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो इसमें देख लेते हैं हम, जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। ठीक है, अगर हम बात करें गोदावरी नदी के बारे में तो गोदावरी नदी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 900 मीटर इसकी लंबाई। ठीक है, कितनी है, इसकी लंबाई 900 मीटर है। और ये उद्गम कहां से हुई है, यानी कि निकली कहां से है, अगर निकली कहां से तो ये देखते हैं, तो ये पीलीभीत के कलीनगर, ठीक है, पीलीभीत की कलीनगर तहसील के पास फुलहर झील से निकली है, उद्गम, इसका उद्गम जो है वो कहां से हुआ है, पीलीभीत के कलीनगर, कलीनगर तहसील के पास फुलहर झील, ठीक है, फुलहर झील से इसका जो है उद्गम हुआ है। और ये गिरती कहां जाके है, तो ये गिरती है जाके कहां जाके गिरती है, यानी कि कहां जाके मिलती है, तो ये बागेश्वर के सरयू में जाके मिलती है। कहां, बागेश्वर के सरयू में, ठीक है, कहां मिलती है, बागेश्वर के सरयू में जाके मिलती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन दिया है चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, सभी को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा क्या है, तो बताएंगे सभी लोग। तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा चीन की मुद्रा क्या है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, रेनमिनबी, रेनमिनबी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है अगर हम रेनमिनबी की बात करें तो रेनमिनबी की इकाइयों की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें इकाइयां क्या होती हैं, इकाइयां 3 होती हैं,
युआन, झाओ और फेन, ठीक है। इसकी इकाइयों की बात करते हैं, इकाइयां अगर इसकी इकाइयां देखें तो इसके आई युआन, झाओ कामा फेन, ठीक है। तो एक युआन बराबर कितना होता है, अगर हम बात करें एक एक युआन बराबर 10 झाओ होते हैं, ठीक है। एक युआन बराबर 10 झाओ होते हैं और 10 झाओ बराबर 100 फेन होते हैं, ठीक है। और 10 झाओ बराबर 100 फेन होते हैं। अगर हम बात करें चीनियों के बारे में, ठीक है, तो चीनियों में चीनियों ने 9वीं सदी में जो है कागजी मुद्रा का आविष्कार किया था। इन्होंने कब किया था, इन्होंने 9वीं सदी में, चीन ने 9वीं सदी में कागज मुद्रा का आविष्कार किया। तो आपको पता होना चाहिए कि चीन ने जो है वो 9वीं सदी में कागज मुद्रा का आविष्कार किया था, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए इसकी इकाइयां कौन कौन सी हैं। तो रेनमिनबी की इकाइयां जो हैं वो क्या है, युआन, झाओ और फेन, सॉरी फेन, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं है, फेन। और एक युआन बराबर 10 झाओ होते हैं और 10 झाओ बराबर 100 फेन होते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, आपकी स्क्रीन पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। तो देख लेते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चों, जो हमारा राइट आंसर इसमें रहने वाला है भाई क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता को सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि कुत्ता ने, ठीक है, तो कुत्ता ने सर्वप्रथम, ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला जानवर था, ठीक है। कुत्ता जो था वो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला जानवर, ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला जानवर, परिक्रमा करने वाला जानवर था। अगर हम इसकी बात करें कि इस कुत्ते का क्या नाम था, तो इस कुत्ते का नाम जो था वो क्या था, लाइका, लाइका नाम था। अगर हम इसके जन्म की बात करें तो सन 1954 में इसका जन्म हुआ, कब हुआ था, 1954 में इसका जन्म हुआ, ठीक है। और कहां हुआ था, मॉस्को सोवियत संघ, ठीक है, कहां हुआ था, मॉस्को सोवियत संघ, ठीक है, मॉस्को सोवियत संघ में हुआ था। अगर हम बात करें ये कौन सा लिंग था, तो ये मादा था। अगर लिंग की बात करें तो ये मादा था, ठीक है, कैसा था, मादा था। अगर हम बात करें इसकी मृत्यु की, ठीक है, तो इसकी मृत्यु 3 नवंबर सन 1957 को हुई थी। अगर हम इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु 3 नवंबर 1957 में हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 3 नवंबर 1957 में हुई थी। अगर हम इसके वजन की बात करें, ठीक है, तो इसका वजन कितना था, अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 5 किलोग्राम, ठीक है, कितना था, 5 किलोग्राम था। अगर पौंड की बात करें तो 11 पौंड, ठीक है, पौंड की बात करें तो 11 पौंड था। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा है, दिया है रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है हमारा, राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों, साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। तो बताएंगे सभी बच्चे इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा भूकंप। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है बच्चों, भूकंप की तरंगों की गणना की जाती है, ठीक है, भूकंप के तरंगों की गणना की जाती है, भूकंप के तरंगों की गणना की जाती है, ठीक है, भूकंप के तरंगों की गणना की जाती है। इससे अगर हम बात करें रिक्टर स्केल की यानी कि रिक्टर पैमाने की बात करें तो इसका आविष्कार सन 1930 के दशक में हुआ था, कितने में हुआ था, इस पैमाने की बात करें रिक्टर पैमाने की तो इसका आविष्कार जो है वो कब हुआ था, 1930 के दशक में, हुआ था। अगर हम बात करें कि रिक्टर पैमाने का पूरा नाम क्या, ठीक है, अगर हम बात करें रिक्टर पैमाने के बारे में, रिक्टर स्केल के बारे में, तो इसका पूरा नाम क्या था, ठीक है, तो देखेंगे इसका पूरा नाम था रिक्टर परिणाम परीक्षक, रिक्टर परिणाम परीक्षण पैमान, रिक्टर परिणाम परीक्षण पैमान, ठीक है, ये इसका पूर्ण नेम था। और अगर हम बात करें कि इसको खोजा किसने था, ठीक है, इसके वैज्ञानिक कौन थे इसको खोजने वाले, तो उनका नाम देख लेते हैं, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे चार्ल्स रिक्टर, कौन थे, चार्ल्स रिक्टर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर। तो बच्चों आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, दक्षिण भारत की कौन सी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, यानी कि गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो इसमें हम आपके लिए बता दें ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, गोदावरी, गोदावरी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। और गोदावरी के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है, इसका उद्गम कहां से होता है और ये गिरती कहां है, ठीक है, ये तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बता ही चुके हैं गोदावरी के बारे में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार है, तो ये बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। तो बच्चों देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो बच्चों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, भारत रत्न, भारत रत्न हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम भारत रत्न के बारे में बात करें तो ये जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, क्या है, भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसके बारे में बात करें यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है,
अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह सर्वप्रथम किसे दिया गया था? सर्वप्रथम किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। अगर हम बात करें कि अंतिम बार किसे दिया गया था, ठीक है, अंतिम बार की बात करें तो अंतिम बार जो है वो नानाजी देशमुख को दिया गया था। किसे दिया गया था? नानाजी देशमुख को दिया गया था। कब दिया गया था? सन 2019 में दिया गया था। और इन्हें कितने में दिया गया था? 1954 में। ठीक है, इन्हें 1954 में दिया गया था। अगर हम बात करें कि अब तक कुल कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो अब तक कुल रत्न जो है वो कितने दिए जा चुके हैं? 48। ठीक है, कितने दिए जा चुके हैं? 48 दिए जा चुके हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेयर करिएगा जल्दी से वीडियो को, लाइक करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। ठीक है, तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल कितने महाद्वीप हैं? तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है कि कुल कितने महाद्वीप हैं। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, 7। ठीक है, और जो है जो कुल महाद्वीप जो है वो कितने हैं? कुल महाद्वीप 7 है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये क्या है? ये महाद्वीप है आपके। ठीक है, बात कर लेते हैं। चलो, अगर हम बात करें महाद्वीपों के बारे में, तो पहला तो हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप, और इसके बाद में जो है आपका आता है यूरोप। कौन सा आता है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, और इसके बाद में आपका कौन सा आता है? उत्तर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उत्तर दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? उत्तर दक्षिण अमेरिका, और इसके बाद में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसके बाद में क्या आता है? अंटार्कटिका। ठीक है, इसके बाद में आता है अंटार्कटिका। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, सभी बच्चे बताएंगे डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। बताएंगे सभी बच्चे। तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा फुटबॉल हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें डुरंड कप के बारे में, ठीक है, तो डुरंड कप के बारे में बात करेंगे
तो इसकी शुरुआत जो है सर मॉर्टिन डोरंट ने सन 1888 में की थी। कितने में की थी? अगर हम बात करें डोरंट कप के बारे में, ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत सर मॉर्टिन डोरंट, ठीक है, सर मॉर्टिन डोरंट ने 1888 में की, सन 1888 में की थी। अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्र कहाँ है, ठीक है, ये खेला कहाँ गया था, तो ये जो है भारत क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र जो है वो भारत में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? रन कप जो है वो भारत में खेला जाता है। अगर इसके टीमों की संख्या की बात करें बच्चों, अगर हम इसके टीमों की संख्या की बात करें तो इसकी टीमों की संख्या होती है कितनी होती है, अगर टीमों की संख्या की बात करें तो टीमों की संख्या बच्चों 12 होती है इसमें, ठीक है। अगर हम वर्तमान चैंपियन की बात करें, ठीक है, अगर हम बच्चों वर्तमान चैंपियन के बारे में बात करें तो वर्तमान चैंपियन जो है वो गोकुलम केरल है, ठीक है, गोकुलम कौन है, गोकुलम है जो कि केरल के रहने वाले हैं, गोकुलम है जो कि केरल के रहने वाले, कहां के, केरल के रहने वाले हैं। इन्होंने पहला खिताब जीता, इन्होंने पहला खिताब जीता ये, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे सफल, ठीक है, सबसे सफल टीम, अगर हम सबसे सफल टीम के बारे में बात करें, ठीक है, तो मोहन बागान टीम जो थी, मोहन बागान टीम जो थी वो सबसे सफल थी, जो कहां थी, जो पूर्वी बंगाल की थी, कहां की थी, पूर्वी बंगाल की, मोहन बागान, ठीक है, मोहन बागान जो कि पूर्वी बंगाल, जो कि पूर्वी बंगाल की थी, ठीक है। इसने क्या है 16 खिताब जीते हैं, ठीक है, सोलह खिताब प्रत्येक। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, कहां स्थित है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसमें देखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कहां स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें विक्टोरिया मेमोरियल की तो ये जो है पश्चिम बंगाल के राज्य कोलकाता में पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना की बात करें, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो 1905 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ने करवाई, ठीक है, 1905 में, पांच में अंग्रेज गवर्नर जनरल जनरल लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन ने करा, लॉर्ड कर्जन ने करा। अगर हम बात करें कि एक किसको समर्पित किया गया,
ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो समर्पित किसे किया गया है? अगर इसके समर्पित की बात करें तो ये रानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया है। किसे? रानी, रानी विक्टोरिया को जो है ये समर्पित किया गया है बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कितनी जगह में बना हुआ है, ठीक है, अगर इसकी भूमि की बात करें कि ये कितनी भूमि में है, तो जगह जो है वो कितनी है? जगह जो है वो 57 एकड़ जगह में बना, ठीक है, 57 एकड़ भूमि, ठीक है, 57 एकड़ भूमि में बना हुआ है। इसे जो है 1921 में आम जनता के लिए खोला गया। कब खोला गया था? 1921 में आम जन के लिए खोला गया। ठीक है, सन 1921 में इसको आम जन के लिए खोला गया था, ठीक है, और इसे 1935 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। कब किया था? 1935 में राष्ट्रीय संघ का संस्थान घोषित कर दिया, ठीक है। संस्थान घोषित कर दिया। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? सभी को पता होना चाहिए राइट आंसर है ये। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है सभी बताएंगे। तो देखेंगे बच्चों, चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है, ठीक है। तो चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली हमारा राइट आंसर होगा, और दिल्ली को तो आप समझते ही हो कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, ठीक है। दिल्ली जो है वो क्या है? भारत की राजधानी है। अगर हम बात करें चुनाव आयोग के बारे, ठीक है, तो चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं, तो इसकी स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना की। तो इसकी स्थापना जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर इसके कार्यपालक की बात करें, ठीक है, तो इसके कार्यपालक जो हैं इसमें वो कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा हैं, जो कि IAS, ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग, IAS भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग, क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यह? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और यह सुनील अरोड़ा जो है वो IAS अफसर, ठीक है। अगर हम बात करें मातृ विभाग की, तो इसका मातृ विभाग भारत सरकार, ठीक है। मातृ विभाग की बात करें तो क्या है? भारत सरकार, ठीक है। तो देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दिया है राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है?
तो जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो है कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्य संख्या जो है वो कितनी होती है, 245। ठीक है, सदस्य संख्या की बात करें तो 245 सदस्य संख्या होती है। अगर बात करें और इसमें जो है 12 सदस्य जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। ठीक है, इसमें जो है 12 सदस्य जो हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं, द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं या नामांकित होते हैं। ठीक है, नामांकित होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि राज्यसभा में सदस्य जो है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये 6 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न में किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, निम्न में किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, जल्दी से। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। अमृतसर हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर अमृत शहर के अगर हम बात करें स्वर्ण मंदिर के बारे में, ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर का जो दूसरा नाम है वो क्या है और किस नाम से जानते हैं, तो दूसरा नाम जो है इसके, अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है श्री हरि मंदिर साहिब। ठीक है, श्री हरि मंदिर साहिब, श्री हरि मंदिर साहिब। अगर हम बात करें इसकी स्थापत्य कला की, अगर हम इसकी स्थापत्य कला के बारे में बात करें, ठीक है, तो सिख स्थापत्य कला है। कैसी है, सिख स्थापत्य कला, ठीक है, इसकी सिख स्थापत्य कला है। इसका निर्माण देखते हैं कब चालू हुआ था, निर्माण कब शुरू हुआ था इसका, तो इसका निर्माण जो है वो दिसंबर 1585 में, ठीक है, दिसंबर 1585 में, ठीक है। अब पूर्ण कब हुआ था, तो ये अगस्त 1604 अगस्त 1604, ठीक है, अगस्त 1604 में ये पूर्ण हुआ था। अगर हम बात करें इसके वास्तुकार की, ठीक है, अगर हम इसके वास्तुकार की बात करें तो गुरु अर्जुन देव, वास्तुकार की बात करें तो कौन थे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी कौन थी, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, विश्व की पूछ रहा है ना कि भारत की, ठीक है, तो पूरे विश्व में सबसे प्रथम प्रधानमंत्री जो थी वो महिला कौन थी, जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, तो देखेंगे तो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, श्रीमती श्रीमावो भंडार नायके, ठीक है, श्रीमती श्रीमावो भंडार नायके, ठीक है, ये जो थी ये कहां की रहने वाली थी, ये जो है श्रीलंका की रहने वाली थी, कहां की, ये श्रीलंका की रहने वाली थी, ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी कौन थी, कौन प्रसिद्ध थी, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, कहीं से नहीं आने वाले क्वेश्चन, आप सभी यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा दोस्तों के लिए, ठीक है, और बताइएगा जल्दी से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, जल्दी से बताएंगे, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू जो है राइट आंसर रहेगा, अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करें, ठीक है, अगर सरोजनी नायडू के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है वो 18 फरवरी 1879 में हुआ था, ठीक है, जन्म जो है वो 18 फरवरी 1879 में हुआ था। अगर हम बात करें पिता की इनकी, ठीक है, इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है, क्या नाम था, अघोरनाथ चट्टोपा, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो थे ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है, कौन थे, यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगर हम बात करें इनके जन्म स्थान की, ठीक है, किनके, सरोजनी नायडू के, ठीक है, तो जन्म स्थान का कहां था, जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान जो था इनका हैदराबाद, ठीक है, क्या था, इनका जन्म स्थान जो था वो हैदराबाद था, इनका विवाह सन 1898 में हुआ था, विवाह जो है सन 1898 में हुआ था। अगर इनके बात करें पति के बारे में, ठीक है, तो इनके पति जो थे डॉक्टर गोविंद राजात, इनके पति जो थे वो कौन थे, डॉक्टर गोविंद राजातु नायडू, राजातु नायडू, ठीक है। अगर हम बात करें सरोजनी नायडू के बारे में, ठीक है, तो सरोजनी नायडू को भारत के कोकिला नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इन्हें भारत के कोकिला नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता था, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा, ठीक है, इनके बारे में पूरा बता दिया है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है स्क्रीन पे दिया है, निम्न में वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है, निम्न में वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, बताएंगे जल्दी से, तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, डीएमके, डीएमके राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें डीएमके के बारे में तो डीएमके की फुल फॉर्म क्या है, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम,
क्या है? द्रविड मुन्नेत्र कड़गम, ठीक है, द्रविड मुन्नेत्र कड़गम। अगर हम बात करें तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? के पलानी स्वामी, के पलानी स्वामी, ठीक है, के पलानी स्वामी है। अगर हम बात करें इनका कार्यालय ग्रहण कब हुआ था, अगर हम इनके कार्यालय ग्रहण की बात करें बच्चों, ठीक है, तो 16 फरवरी 2017 में, ठीक है, कब हुआ था? 16 फरवरी 2017 में हुआ, ठीक है, कब हुआ था? 16 फरवरी 2017 में हुआ। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, संतोष ट्रॉफी संबंधित है, संतोष ट्रॉफी जो है वो संबंधित है, वो किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है हमारा। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये जो है शुरू कब से हुई थी? सन 1441 से, सन 1441 से, ठीक है, सन 1441 से शुरू हुई थी। अगर हम बात करें इसमें जो है संघ कितने हैं, तो इसमें जो है इसमें 31 संघ हैं, ठीक है, इसमें 31 संघ हैं। अगर हम बात करें क्षेत्र की, तो ये भारत क्षेत्र में खेला जाता है, कहाँ खेला जाता है? क्षेत्र की बात करें तो ये भारत में खेला जाता है, ठीक है, अगर क्षेत्र के बारे में देखें तो ये भारत में खेला जाता है। अगर हम टीमों की संख्या की बात करें तो इसमें टीमों की संख्या कितनी होती है? टीमों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? वो 31 होती है, टीमों की संख्या 31 होती है इनकी, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे सफल टीम कौन सी है, सबसे सफल टीम, ठीक है, तो कौन सी है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, सबसे सफल टीम जो है वो पश्चिम बंगाल है, इसने 32 खिताब जीते हैं, ठीक है, इसने 32 खिताब जीते हैं अब तक, ठीक है। अगर हम बात करें इसका नाम जो है वो किसके नाम पर पड़ा, संतोष ट्रॉफी का नाम जो है वो किन के नाम पर पड़ा था, तो ये भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष संतोष, ठीक है, संतोष के सर मन्मथ नाथ राय, ठीक है, मन्मथ नाथ राय के नाम पर पड़ा, संतोष के सर, ठीक है, संतोष के सर मन्मथ नाथ राय, मन्मथ नाथ राय, मन्मथ नाथ राय चौधरी के नाम, मन्मथ नाथ राय चौधरी के नाम पर पड़ा था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो देखेंगे बच्चों अब यहां से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान में देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो देखेंगे बच्चों इसमें जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान हमारा राइट आंसर होगा। अगर जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में
बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें इस शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था, ठीक है, इस शब्द का, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क तथा ट्रेविनेनस ने, किसने किया था, लैमार्क तथा ट्रेविनेनस, ठीक है, लैमार्क तथा ट्रेविनेनस ने इसका जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम बात करें जीव विज्ञान के बारे में तो इसके खोजकर्ता कौन है, ठीक है, इसके जनक, ठीक है, तो जनक, अगर इसके जनक की बात करें तो इसके जनक कौन है, अरस्तु, ठीक है, इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। अगर हम बात करें कि इसको जो है जीव विज्ञान को कब खोजा गया था, कौन से सन में खोजा गया था, तो सन 1801 में, ठीक है, कब खोजा गया था, तो सन 1801 में खोजा गया, ठीक है, सन 1801 में खोजा गया था। अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान के बारे में तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के बारे में बात करें तो इसके जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टर, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित धातु में कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जाता, निम्नलिखित धातुओं में कौन सा धातु जो है वो पैकेट में नहीं रखा जाता है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, सभी बच्चे बताएंगे। तो इसमें देखेंगे हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ठीक है, सोडियम हमारा राइट आंसर होगा। अगर सोडियम के संकेत की बात करें तो इसका संकेत Na है, ठीक है, Na इसका संकेत है। अगर हम इसके परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या जो है वो कितनी है, इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी रासायनिक श्रृंखला की, रासायनिक श्रृंखला की बात करें, ठीक है, तो इसकी रासायनिक श्रृंखला जो है वो कैसी होती है, वो क्षार धातु होती है, कैसी होती है, क्षार धातु होती है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर रखा गया, ठीक है, आवर्त सारणी में इसको कौन से स्थान पर रखा गया है, तो आवर्त सारणी में इसको प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व माना जाता है, ठीक है, प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व, प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व माना जाता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, दूध को दही में परिवर्तित करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है तो कौन करता है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है, कौन सा पदार्थ जो है वो बिजली का सुचालक नहीं है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा जिसमें बिजली सुचालक नहीं करती है, ठीक है, तो राइट आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, लकड़ी जो है वो बिजली का सुचालक नहीं है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, छोटी चेचक के कारण क्या है, छोटी चेचक के कारण क्या है, तो इसमें बताएंगे छोटी चेचक के क्या कारण है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है इसमें, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यह विषाणु जनित रोग है, कैसा है, यह विषाणु जनित रोग है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें,
किसके बारे में? इसके लक्षण के बारे में बात करें अगर हम, तो इसके लक्षण जो है वो कौन कौन से हैं? सिर दर्द का वहां शरीर में ऐठन, सिर दर्द का वहां शरीर में ऐठन कामा, शरीर में ऐठन कामा ज्वर कामा खांसी, ज्वर यानी बुखार कामा खांसी, ठीक है, ईटीसी, और भी बीमारियां हैं इसी से, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? तो कौन सी धातु जो है वो विद्युत, कौन सी धातु जो है वो विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? तो कौन सा राइट आंसर रहेगा इसमें हमारा, राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें, तो देखेंगे इसमें हमारा, तो राइट आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए कच्चा लोहा, ठीक है, कच्चा लोहा हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, सूर्य ग्रहण कब होता है, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। तो इसमें देखेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरे, ठीक है, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित आहार में होते हैं, संतुलित आहार में होते हैं, तो क्या होते हैं संतुलित आहार में, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें, इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, संतुलित आहार में होते हैं, तो इसमें देखेंगे हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं, देखो प्रोटीन भी पाई जाती है संतुलित आहार में, विटामिन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है, और कैलोरी भी होती है, खनिज पदार्थ भी होते हैं, ठीक है, ये सभी पोषक तत्व हैं, कौन से हैं, यह सभी पोषक तत्व हैं, यह सभी पोषक तत्व हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है, जब कोई गाड़ी चलती है तो वह क्या छोड़ती है, कौन सा धुआं छोड़ती है, कौन सा राइट आंसर रहेगा इसमें हमारा, कौन सा राइट आंसर रहेगा इसमें, तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर रहेगा। इसके अगर संकेत की बात करें तो CO इसका राइट संकेत रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें ये देखने में कैसी होती है, ठीक है, तो ये देखने में रंगहीन होती है, रंगहीन होती है। अगर इसके गंध की बात करें कि ये गंध कैसी होती है, तो ये गंधहीन होती है, ठीक है, यह गंधहीन होती है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, तो 28.010, ठीक है, कितना होता है 28.010 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये क्या होता है इसका, ये इसका गलनांक होता है। अगर हम बात करें कि ये जो है जल में घुलनशीलता होती नहीं होती है, तो इसमें 27.6 मिलीग्राम, ठीक है, जल में घुलनशीलता, जल में घुलनशीलता, ठीक है, जल में घुलनशीलता कितनी होती है 27.6, ठीक है, कितनी होती है 27.6 मिलीग्राम पर लीटर, पर वन लीटर, पर वन लीटर, ठीक है, मिलीग्राम पर वन लीटर। अगला देखते हैं, यह गैस जो है हवा से हल्की होती है, कैसी होती है, यह हवा से थोड़ी
हल्की होती है, ठीक है, यह हवा से थोड़ी हल्की होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो सभी को पता होना चाहिए स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखेंगे स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, किसकी, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन सी जो है वो मनुष्य में कोलेजन के निर्माण का कार्य करता है, ठीक है, कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन सी जो है ये मनुष्य में कोलेजन के निर्माण में आवश्यक है, ठीक है, कोलेजन के निर्माण में आवश्यक है। अगर हम बात करें इसका रासायनिक नाम, ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप होता है, सामान्यतः मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, बच्चों सभी बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो इसमें देखेंगे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 120/80, ठीक है, 120/80, ये जो है ये सिस्टोलिक रक्तचाप है, कैसा है, ये सिस्टोलिक रक्तचाप है, इसके पारा में 30, ठीक है, पारा के जो है 30 और 120 मिलीग्राम के बीच होता है, पारा में जो है ये 80 और 120 के बीच में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके मापने का यंत्र, ठीक है, रक्तचाप मापने का यंत्र, मापने का यंत्र, ठीक है, तो मापने का यंत्र क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है शक्ति की इकाई है, शक्ति की, तो शक्ति की कौन सी इकाई है, जल्दी से बताएंगे शक्ति की इकाई है कौन सी है। तो देखेंगे शक्ति की इकाई जो है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए 1 जूल प्रति सेकंड, ठीक है, 1 जूल प्रति सेकंड है, और इसको हम वाट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वाट भी कह सकते हैं, शक्ति की इकाई वाट भी होती है, और इसको बल एक जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, P = W/T, तो P जो है वो क्या होता है, वो शक्ति होती है, P जो है जहां P अगर शक्ति है, और W क्या है, W कार्य, और T समय, ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी, किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी, तो सभी बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है इसमें। तो देखेंगे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हवा में, ठीक है, ध्वनि में, सॉरी वायु में, ठीक है, हवा में, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, हवा में हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें ध्वनि का वेग की, ठीक है, तो ध्वनि के वेग के बारे में बात करें, अगर हम ध्वनि के वेग के बारे में बात करें तो इसका वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, पानी का अधिकतम घनत्व है, पानी का अधिकतम घनत्व है,
तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, कितने डिग्री सेल्सियस पे इसका जो है अधिकतम घनत्व होता है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम इसके आयतन की बात करें, ठीक है, क्या की आयतन की, ठीक है, अगर हम इसके आयतन की बात करें तो 9% बढ़ जाता है इसका आयतन जो है, तो क्या होता है 9% बढ़ जाता है, ठीक है, इसका आयतन जो है वो 9% बढ़ जाता है। इसके अणुसूत्र की बात करें, अगर जल के अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, H2O, इसका अणुसूत्र जो होता है वो H2O होता है। अगर इसके IUPAC नेम की बात करें, IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम जो होता है वो ऑक्सीडेन होता है, कौन सा होता है, ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन होता है। अगर हम बात करें इसके मोलर द्रव्यमान की, ठीक है, किसके बारे में, मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करें तो इसका मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 18.0153 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, समझ में आया होगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, और साथ साथ में शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, लास्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिएगा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, जल्दी से। तो देखेंगे जो हमारा राइट आंसर रहेगा कि हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, 78% होती है, और वायुमंडल में क्या होता है, हवा पाई जाती है, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती तो हवा में ही है, तो 78% हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद जो है नाइट्रोजन के बाद में दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या होती है, ठीक है, दूसरे नंबर पर किसकी मात्रा अधिक होती है, तो दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा दूसरे नंबर पर अधिक होती है वायुमंडल में, जो कि 20.95% होती है, कितनी होती है, 20.95% होती है वायुमंडल में, वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में मात्रा ऑक्सीजन, ठीक है, कितनी होती है, 20.95%, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का क्लास, अगर हमारा आज का क्लास आपको पसंद आया हो दोस्तों तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, जय हिंद, सत श्री अकाल।